नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। लोगों ने परीक्षा रद्द करने के लिए सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गेस्ट मार्क पाने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने की बात कही थी। और इसी के मद्देनजर नीट में गेस्ट मार्क पाने वाले 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा का आयोजन किया गया। देश के अलग अलग शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए, सेंटर पर परीक्षाएं शुरू हो गईं, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि कई सेंटर पर अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे ही नहीं। सेंटर पर पहुंचने का टाइम के अलावा गेट क्लोजिंग टाइम भी निकल गया, लेकिन अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। चंडीगढ़ सेक्टर 44 में सेंट जोसेफ स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस एग्जाम में गेस्ट मार्क पाने वाले 2 छात्रों को शामिल होना था, लेकिन दोनों में से कोई भी छात्र परीक्षा देने नहीं आया। चंडीगढ़ नीट री एग्जाम में केवल वही प्रतियोगी छात्र शामिल होने वाले थे जिन्होंने इस परीक्षा में गेस्ट मार्क मिले थे। ऐसे में 2 बच्चों को री एग्जाम में शामिल होना था। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से केंद्र के अंदर प्रवेश की इजाजत थी। इस दौरान एक भी बच्चा एग्जाम देने परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचा। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद में भी बनाए गए परीक्षा केंद्र में 185 अभ्यर्थियों को री एग्जाम के लिए पहुंचना था, लेकिन वहां 70 अभ्यर्थी गैर मौजूद रहे। दरअसल नीट की परीक्षा 5 मई को देश भर के 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें करीब 24,00,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया। रिजल्ट 10 दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। रिजल्ट के बाद पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगाए गए, क्योंकि 67 से अधिक छात्रों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, जिनमें से कुछ छात्र एक ही परीक्षा केंद्र के थे। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में बिहार में अनियमितताओं और पेपर लीक का मामला सामने आया। इसके साथ ही कुछ उम्मीदवार सार्वजनिक रूप से सामने आए और उन्होंने दावा किया कि उन्हें परीक्षा के एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था। इन आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और कई उच्च न्यायालय के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। और फिर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गेस्ट मार्क पाने वाले 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने की बात कही थी और उसी के तहत आज परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस परीक्षा में कई छात्र नदारद रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन परीक्षाओं को लेकर लोगों के मन में संशय है या फिर री एग्जाम में कम नंबर आने का डर छात्रों को सता रहा है, जिसकी वजह से छात्र इस बार परीक्षा में नहीं बैठे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।